अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय रिपब्लिक वेडिंग कलेक्शन। इसकी अनस्टिच की प्राइस है 33,900। इसकी अनस्टिच की वीडियो मैंने शेयर की थी और अब हमने इसको कस्टमाइज स्टिच किया है स्मॉल साइज पे। लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा जी, हमने इसको स्टिच किया है, ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है कि ये 100% सेम सिले और हमारे हिसाब से बहुत बेहतरीन स्टिच हुआ है। बाकी जो है आप सब बेटर बता सकते हैं। इसको हमने लहंगा इसका सेपरेट नहीं स्टिच किया हमने। एक तो जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो में बताया था कि आउटर का फ्लेयर जिस तरह पिक्चर में दिख रहा है उतना ज़्यादा नहीं, बट स्टिल मैं अभी देख रही हूँ कि मिनिमम ये 50 इंचज तो है वन साइड ना। लेकिन इनर जो है हमने इसको वन पीस बनाया है। तो पहले तो ये इसकी जो सारी डिटेलिंग है ये सारा कुछ हाथ से पलटा गया है ये, और उसके बाद ये ऑर्गेन्जा के पेटल्स बने हुए सारे ओवरऑल यहाँ से लेकर पूरे गले तक। उसके बाद दामन जो है इसका दो जगह पे एप्लीक हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ पर जो है पूरा वही डिज़ाइन बना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी कि ये जो इसके ऊपर शिमर वाला फैब्रिक मिला हुआ ये ईजिली अवेलेबल नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मुझे मिला, क्योंकि या तो एक गोल्ड में मिलता है या सिल्वर मिलता है में मिलता है। ऑफ वाइट एग्जैक्ट मैचिंग जो है मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, और इन्होंने जो उसकी क्लोजअप की पिक्चर्स हैं इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट शिमर वाला फैब्रिक लगाया है। उसके बाद फिर ऑर्गेन्जा हमने डाई कर पाया क्योंकि ऑफ वाइट शेड है, पिक्चर में ऑफ वाइट लग रहा है। उसके बाद इसका दामन जो है यहाँ से पूरा एप्लीक हुआ है, इसकी आई होप के क्लोज इसकी वो आउटलाइन नजर आ रही हो। एंड फिर ये स्कैलप सेकेंड उस पर, और ये स्कैलप हम लोग जो मोस्टली बनाते हैं उस पर हम लोग आउटलाइन करवा देते हैं उसकी एप्लीक से, लेकिन ये आउटलाइन नहीं है, ये पूरे पलटे गए हैं कपड़े के साथ और आयरन के साथ इसका पैटर्न बना के। तो इसको जो है सिलने में बड़ा टाइम लगा। फिर सारा अंदर की साइड एप्लिक हुआ है और इस पर जो है ये लाइनिंग है। उसके बाद आते हैं इसका जो इनर है, इनर में एक तो इसके अंदर फ्यूजिंग लगाई हमने ये जो ये फैब्रिक जिन्होंने साथ दिया हुआ था। और एक चीज़ मैं ये बता दूँ स्पेशली कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची में समंदर की हवा होती है तो ये जो फॉइल वर्क है इसके ऊपर ये काला हो जाता है, तो इसलिए इसको फोल्ड करके रखें। अब ये बिल्कुल भी नहीं काला हुआ क्योंकि हमने इसको जो है वो फोल्ड करके ही रखा हुआ था, लेकिन अगर कहीं खुला रखा इसको हवा लगी तो ये ख़राब हो जाएगा। इसके बॉर्डर के अंदर जो है हमने फ्यूजिंग लगाई। उसके बाद अंदर एक और कॉटन सिल्क की लाइनिंग है। तो ये सब 10 यार्ड तकरीबन कपड़ा जो है सिर्फ फिनिशिंग का डाई करवाया है हमने। इसके अंदर फ्यूजिंग अच्छा एक पतली बुकरम होती है जिससे जो है ये थोड़ा सा स्टिफ खड़ा खड़ा रहेगा, और इसका फ्लेयर जो है आउटर से ज़्यादा है, इस वजह से हमने इसके आउटसाइड की ये जो है इसकी साइड की स्लिट्स खोल दी। और ये सारे जो शिमर वाला कपड़ा है और ये खासा एक्सपेंसिव है, ये नॉर्मल प्राइस का नहीं है। ये पूरा अंदर से स्कैलप बना के पलटा हुआ है। और सो ये हो गया इसका ड्रेस। 54 इंचज हमने लेंथ रखी है। आई होप कि जितनी डिटेलिंग जितना अच्छा इसका हैंडवर्क हुआ है आई होप कि आपको क्लोजअप वैसे ही नज़र आ रहा हो। अच्छा, बॉडीज तक हमने लाइनिंग लगा के इसको जो है बंद किया है और इसके ऊपर भी बटन्स बिल्कुल ऐसे ही लगे हैं, वो थोड़े से राउंड हैं। हमें जो है ऑफ वाइट शेड बड़ी मुश्किल से मिला है, तो ऑफ वाइट शेड में ये ड्रॉप शेड के बटन लगे हैं बिल्कुल वैसे ही जो है लगाए। तो हमने कोशिश पूरी की है कि वैसा ही बने ना। काम इसका बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त लैविश ड्रेस है। और उसके बाद स्लीव्स, अच्छा स्लीव्स जो है क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी ये 18.5 इंचज की स्लीव्स हैं, बल्कि 18.5 भी मैंने रखवाई, उनको 18 इंचज चाहिए थी, तो ये उनकी फुल लेंथ है। ये स्लीव्स का बॉर्डर है जो कि एप्लिक हुआ है यहाँ से, और उसके बाद फिर ये पेटल्स बने हैं ऑर्गेन्जा के। एंड उसके बाद पिक्चर में सिर्फ यहाँ तक का डिज़ाइन था, ये जो स्कैलप हैं ये नहीं बने हुए थे, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट स्लीव्स हैं फुल स्लीव्स नहीं है तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अनफिनिश सा लग रहा था, इसलिए मैंने बिल्कुल जो इसका फ्रंट ओपन का जो काम है जो बॉर्डर पर है स्टाइल बिल्कुल वही चीज़ जो है मैंने बनवाई, और ये दो तरफ से अप्लिक हुआ यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसका फ्रंट हो गया। बैक को मैं एक्चुअली इसको फैलाना जो है बड़ा मुश्किल काम है, एंड आई विश कि ये बहुत डिटेलिंग जो है इसकी नज़र आ रही हो कि सारे पेटल मिले हुए। मैंने भी इसको स्टिच कराने से पहले इसकी जितनी वेबसाइट पे पॉसिबल पिक्चर्स थी वो सारी निकाली हैं, और उसके बाद जो है ये हुआ है क्योंकि ये ऑफ वाइट है। ऐसे अगर आप सिर्फ ये एनले कार्ड की ऐसी पिक्चर देखें तो इसमें ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसे बहुत क्लोजअप पिक्चर्स निकालने के बाद जो है ये नज़र आएंगे पेटल्स, और ये सारे एक एक हाथ से बनाया गया। सो ये इसका फ्रंट है। बैक का भी ऐसे ही, बैक पे जस्ट एम्बेलिशमेंट्स नहीं है, और साइड स्लिट्स की वजह से जो है
इसका इनर का फ्लेयर ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा चलने में इंशाल्लाह। और फिर इसके अंदर जो हमने बुकरम लगाई है, तो ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाई, वरना वो बहुत अजीब सा लुक आता कि ऊपर से वो ढलक जाता। तो ये जो है बड़ा अच्छा इसका बॉर्डर और खड़ा खड़ा सा लुक दे रहा है। अच्छा, बैक पर भी बिल्कुल वैसे ही एवरीथिंग, जो जो फ्रंट पर हुई है बिल्कुल वैसे ही जो है, ये इसके स्कैलप शाइनी फैब्रिक से एंड एक एक पेटल, और पेटल के बीच में एक तिनके का भी जो है गैप नहीं है। तो ये डबल बॉर्डर फ्रंट एंड बैक का दामन, एंड बैक पे जस्ट फ्रंट ओपन का वो नहीं है, बाकी जो है ये सारा वो है, ये एक एक पेटल बना है। तो बैक की बॉडी इस तरह से है, एम्बेलिशमेंट्स नहीं है। तो बहुत ही हसीन ड्रेस है, बहुत हसीन ड्रेस है, और मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली जो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि हमने स्टिच किया, बट ऑनेस्टली इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। ओके, सो ये हो गया इसका गाउन। एक्चुअली बहुत भारी है और बहुत ज़्यादा वो है, बड़ा है, तो उसको फ्लेयर को जो है ना बंद करना बड़ा मुश्किल है, फोल्ड करना। अच्छा, दुपट्टे का ये हुआ है कि ये चटापटी बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर में उन्होंने बनाई हुई थी। तो चटापटी क्या, एक्चुअली मतलब ये धनक लगाई, इसको धनक कहते हैं। इसके अंदर भी हमने पतली फ्यूजिंग लगाई है ताकि ये थोड़ा खड़ा खड़ा रहे, वरना तो ढलक जाता। उसके बाद दुपट्टा जो है इस वाली साइड से एप्लीक हुआ है, और ये जो है ये पिक्चर में भी अटैच किया हुआ है, लेकिन पिक्चर में इन्होंने पर्ल्स बहुत दूर दूर लगाए और हमने काफ़ी करीब लगाए। तो हमने इसको ऑल साइड, ये इसको जो रोका हुआ है इस वाली पूरी आउटलाइन को, ये पर्ल्स से रोका हुआ है। तो वो जो है, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि जब हम इसको आउटलाइन करके चिपका देते, पहली बात तो ये कि पिक्चर में चिपका हुआ नहीं था, वरना तो फिर इसके बैक साइड पर जो है उसकी वो सारा जो एप्लिक का वो है वो नज़र आता। तो ये जो इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है इसके ऊपर, ये नज़र वो होती ज़ाया हो जाती। उसके बाद दुपट्टे के बॉर्डर्स भी दोनों एप्लिक हुए हैं, ये मैं दिखा दूँ। ये दुपट्टे का बॉर्डर पूरा एप्लिक हुआ है, उसके बाद ये सेकंड बॉर्डर एप्लिक हुआ है। ये इसके दो बॉर्डर जो हैं ये दिए हुए थे सेपरेट, और मिडिल जो है ऑर्गेन्जा का सेपरेट था। तो इसके ऊपर एप्लिक का भी बहुत काम है। ऑल ओवर अगर आप ऐसे देखें तो इसमें तीन जगह पे एप्लिक हुआ है, ये पूरा बॉर्डर ऑल साइड, ये पूरा दुपट्टा फिनिश होने के बाद ये वाला एप्लिक हुआ है, और ये जो दो एप्लिक हैं ये आउटलाइन है, ये एप्लिक हुआ है, एंड ये जो जा रहे हैं ये भी एप्लिक हुआ है। तो दुपट्टे में भी इसकी खासी मेहनत है, बट मेहनत वसूल हो जाती है जब जो है वो अच्छी चीज़ बन जाए। तो मुझे ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, अल्लाह करे कि ये जिनका है उनको भी पसंद आए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसको वन पीस बनाया था, दुपट्टा इस तरीके से फिनिश हुआ है, और हमने काफ़ी क्लोज पर्ल्स लगाए, उन्होंने जस्ट यहाँ पर एक यहाँ पर इस तरह से लगाया हुआ था। तो इसका जो है फिर, क्योंकि वन पीस बनाया है हमने, तो फिर मैंने इसके साथ कोरियन रॉ सिल्क लेकर डाई करवाई है, और फिर इसका ट्राउज़र भी बना दिया, क्योंकि लहंगा नहीं बनाया हमने, गाउन बनाया। सो दैट्स इट। ऑनेस्टली मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, और जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम, और वो वैसी हो जाता है जैसे जो कोशिश की होती है जिस चीज़ की, तो और ज़्यादा खुशी होती है। बाकी आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।